हेलो एवरीवन, दिस इज राम केवल एंड यू वाचिंग इस किचन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के नेक्स्ट पड़ाव पर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस, कैसे हम जिरंड के पहले या फिर नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा करके सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, अब हम ये देखेंगे कि उसी तरह के सेंटेंसेस अगर हिंदी में दिए जाते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है तो कैसे करते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है। उस वीडियो में मैंने कुछ आपको प्रीपोजिशंस बताए थे, उनकी हिंदी भी लिख करके दी थी, समझाया दिया था। अगर आपने उसको नोट नहीं किया है, वैसे मैं जानता हूं कि आप लोग नोट्स तो बनाते नहीं है, आपको नोट्स बनाना चाहिए। जब भी वीडियो देखिए, पढ़ने वाली अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कॉपी पेन रखना चाहिए साथ में। कॉमेडी या फिर और कोई वीडियो देखते हैं तो कोई बात ही नहीं है। सॉरी, चलिए फिर से देख लीजिए दोबारा, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें मैंने सारे प्रीपोजिशंस को कैटेगराइज करके लिख दिया है। कुछ नॉर्मल प्रीपोजिशन है वो मैंने एक साइड में लिख दिया है और कुछ स्पेशल प्रीपोजिशंस है उसको मैंने एक साइड में लिख दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलिए अब देखते हैं कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, अपने स्कूल की टीम के जीतने की खबर सुनकर प्रधानाचार्य ने एक दिन की छुट्टी कर दी। काफी बड़ा सेंटेंस लगता है और अक्सर दिक्कत तभी होती है जब सेंटेंसेस बड़े लगते हैं, स्टूडेंट घबरा जाता है कैसे होगा। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या है कि इसमें सेंटेंसेस अलग अलग दिए हुए, हम उनको समझे और तोड़े। तो पहले क्या है कि हमारे स्कूल की टीम जीत गई। ठीक, अपने स्कूल की टीम जीत गई, जीतने की खबर प्रधानाचार्य ने सुनी, दो सेंटेंस हुआ। प्रधानाचार्य ने छुट्टी कर दी, एक दिन की छुट्टी कर दी। इन तीनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस मैंने बताया कि पहले जो काम होगा उसको हम प्रीपोजिशन के साथ जोड़ देंगे, जिरंड या नाउन लगा करके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को रखेंगे। तो पहले क्या हुआ, जीतने की खबर सुनिए, उसके बाद छुट्टी की। तो हम सॉरी खबर सुनकर या खबर सुनने पर, इसके लिए हम लगाते हैं ऑन हियरिंग द न्यूज। ठीक, इस तरह का सेंटेंस आप बना चुके हैं, उसमें आपको याद आ गया होगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द of our team's जीतने की विनिंग, हमारी टीम के जीतने की न्यूज यानी कि खबर सुनकर सुनने पर प्रधानाचार्य ने क्या किया, छुट्टी कर दिया। प्रिंसिपल ने छुट्टी कर दी, प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड, घोषणा करते हैं वो लोग, डिक्लेयर्ड हॉलीडे। ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, छुट्टी कर दी। और अगला सेंटेंस देखते हैं, पेंसिल के बजाय तुम कलम ले सकते हो। सेंटेंस छोटा है देखने में लेकिन आपको समझना होगा। पहला क्या, तुम पेंसिल ले सकते हो, पेंसिल नहीं ले सकते हो, हाँ पेंसिल के बजाय कलम ले सकते हो, दोनों को समझना होगा। के बजाय का मीनिंग क्या होता है वो आपको मिल जाएगा, मैंने मीनिंग लिखवा दिया है, जो प्रिपरेशन अभी मैंने दिखाया है स्क्रीन पर। ठीक है, के बजाय का मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ कहिए या इंस्टीड ऑफ कहिए, दोनों मीनिंग से है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे कि तुम कलम ले सकते हो, यू कैन टेक पेन, किसके बजाय, पेंसिल के बजाय, तो इन प्लेस ऑफ पेंसिल, बस आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम चाय के साथ साथ चिप्स खा सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस अक्सर होते हैं, आप लोग तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक, मूवीज में भी आपने देखा होगा, चाय लेना है फिर चाय के साथ कॉफी भी लेना है या चिप्स लेना है, जो भी है। तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन वी टेक, ठीक है, चाय के साथ साथ क्या ले सकते हैं, चिप्स, कैन वी टेक चिप्स, किसके साथ साथ, चाय के साथ साथ। ठीक, तो चाय के साथ साथ का मीनिंग, के साथ साथ का मीनिंग मैंने लिखवाया है बिसाइड्स, याद रखिएगा बिसाइड नहीं, बिसाइड मतलब होता है, अगर ये रहेगा तो होगा के बगल में, और अगर यस लग गया तो उसका मतलब हो जाएगा के साथ साथ, बिसाइड्स टी। देखिए ना, छोटा सेंटेंस बन गया आराम से, कैन वी टेक चिप्स बिसाइड टी, और हिंदी में क्या, काफी बड़ा सेंटेंस है। ठीक है, खा सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेक करेगा आप ईट लगा दीजिए, मीनिंग अगर मिस हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपको तरीका समझना है, समझने पे ना दीजिए, रटने की कोशिश मत करिए, प्रोसेस समझिए कैसे क्या किया जा रहा है। तो बना लेंगे आप, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है, अच्छे आचरण, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति पर, यहां पर छूट गया है, शक करना मुमकिन नहीं है। ठीक, कोई अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है उस पर शक करना मुमकिन नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इस तरह का सेंटेंस, मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, कठिन है, इस तरह के सेंटेंसेस में इट आता है सब्जेक्ट के रूप में, जब क्लियर ना हो तो इट इज मुमकिन नहीं है, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्या मुमकिन नहीं है भाई, टू डाउट, शक करना, शक करना मुमकिन नहीं है, किस पर, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति पर, अ पर्सन, एक व्यक्ति पर जिसका अच्छा आचरण हो, तो विथ गुड कंडक्ट मतलब काम हो जाएगा आचरण, अब चाहे तो बिहेवियर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे हम, इट इज नॉट पॉसिबल टू, या फिर इट इज इम्पॉसिबल कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डाउट अ पर्सन विद गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति पर शक करना मुमकिन नहीं है, आसानी से बन जाएगा। अगला सेंटेंस है, इसको आप पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा, लेंचो के पास भगवान को पत्र लिखने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेंचो ने पत्र लिखा था, हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे, ठीक है, लेटर टू गॉड, तो उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस आपको याद रहेगा, लेंचो के पास कोई विकल्प नहीं था, था, हैड नो ऑप्शन, लेंचो के पास कोई विकल्प नहीं था, इतना बन गया, कोई विकल्प नहीं था, कोई दूसरा विकल्प, नो अदर ऑप्शन हो जाएगा, अदर मतलब दूसरा होता है, नो अदर ऑप्शन, लेंचो हैड नो अदर ऑप्शन, किसके सिवा, भगवान को पत्र लिखने के सिवा, ठीक है, इतना बचा हुआ है, हम ये बना चुके हैं कि लेंचो के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, मेन सेंटेंस यही था, भगवान को पत्र लिखने के सिवा का मीनिंग मैंने आपको लिखवाया है, स्क्रीनशॉट भी दिया अभी, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होम फोर्स में भी लिखवाया है, एक्सेप्ट, एक ये एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना, लेकिन इसका मतलब होता है के सिवा, एक्सेप्ट मतलब के सिवा, एक्सेप्ट भगवान को पत्र लिखने के सिवा, राइटिंग, एक्सेप्ट राइटिंग लेटर टू गॉड, बस आराम से बन जाएगा, इतना आसानी से बन जाएगा सेंटेंस, कितना बड़ा हो आप आराम से बना लेंगे, अगर घबराएंगे नहीं और आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो,
तो प्रैक्टिस करते रहिए। कोई सेंटेंस अगर फंसता है, कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, बता देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अभी आपके ही क्लास 12th में आप साढ़े सोलह पढ़े होंगे अ गोल्ड वॉच, ठीक। शंकु ने घड़ी चुराने से पहले कई बार सोचा, इतना घबराया रहता है वो, बार बार सोचता है कैसे बनाएंगे। देखिए, शंकु ने सोचा, कई बार सोचा, पहले इसको बनाएंगे। शंकु ने कई बार सोचा, शंकु थॉट मेनी टाइम, कई बार सोचा, ठीक है। घड़ी चुराने से पहले, अब से पहले अंग्रेजी का आता है बिफोर, किससे पहले, घड़ी चुराने से पहले, स्टीलिंग, बिफोर स्टीलिंग द, क्या चुराने से पहले, वॉच। कितना था निबंध गया, शंकु थॉट मेनी टाइम बिफोर स्टीलिंग द वॉच। ऐसे ही आप बना लेंगे सेंटेंस, देखिए कितना बड़ा है, कितना आसान से और कितना छोटे में बन गया। चलिए आगे देखते हैं। पकड़े जाने के बावजूद साका ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। साका नाम याद आ गया होगा आपको, चलिए ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। साका ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, मेन सेंटेंस हमारा यही है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। साका पास्ट इंडेफिनिट में लगभग आपको मिलेंगे। डिड नॉट टेल एनीथिंग, कुछ नहीं बताया, ठीक है। पकड़े जाने के बावजूद, का आपको मीनिंग आपको याद रखना होगा, मालूम रखना। जो मीनिंग मैंने लिखवाया, स्क्रीनशॉट दिया, उसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रहेगा तो आसान रहेगा बनाने में। कंजक्शंस का काम करते हैं, सेंटेंस को छोड़ करके बड़ा करने के लिए अक्सर यूज होते हैं। के बावजूद का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद। अभी मैंने लिखा है इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय। तो इंस्पाइट ऑफ क्या, पकड़े जाने के, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग, पकड़े जाना मतलब बीइंग कॉट या बीइंग अरेस्टेड, पकड़ा जाना मतलब गिरफ्तार होना। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, एग्जांपल्स थे। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी पहले से सीखने आता है, हर को सीखना पड़ता है, किसी को प्रैक्टिस करके आदमी सीखता है। मिस्टेक्स होंगी, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, आप सुधारेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।